चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। वो दो तीन दिन से अपनी माँ की हालत को देख रहा होता है, वो माँ से क्या कहता है सुनिएगा। माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने दोस्तों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, उन गिफ्ट्स को देखता है और अपनी माँ की गोद में वापस आता है। वही प्रश्न अपनी माँ से करता है, वो अपनी माँ से क्या पूछता है सुनिएगा। केवल दो मिनट का गीत है, मैं आपकी संवेदनाओं को आमंत्रण देती हूँ, आपको भावुक करने का प्रयास करती हूँ, यदि एक भी आंसू छलका तो मेरे लिखने की सार्थकता होगी। सुनिएगा, वो बेटा अपनी माँ के पास आकर के क्या कहता है। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी ने पापा वाले खिलौने दिखाए हैं, किसी ने पापा वाले खिलौने दिखाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। वो अपनी माँ से खींच जाता है, रूट जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें हिलाता है और उनका ध्यान अपनी ओर करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है सुनिएगा। मैं गीत के अंतिम चरण पर हूँ, आप तक पहुँचती हूँ। वो बेटा कहता है कि दो दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई, दो दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा। तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ के बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और मित्रों विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा उस लाश को देखता है और अपनी माँ को देखता है। गीत का अंतिम बंद आपके बीच देती हूँ और अपनी जगह लेती हूँ, सुनिएगा। वो हिंदुस्तान का बेटा अपनी माँ को क्या प्रतिउत्तर देता है, गीत का अंतिम बंद आपके बीच रखती हूँ। यदि लगता है कि उसने सही कहा तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उस तक आशीर्वाद बनकर पहुंचे। सुनिएगा वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया।
मकसद की राह मिल गई एक ख्वाब मिल गया, मकसद की राह मिल गई एक ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। वाह 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 वाह, क्या कहना। अनामिका अंबर जो हिंदुस्तान के शहर